नमस्कार मित्रांनो, जय गुरुदेवमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण आलो आहोत भालोद येथे. भालोदबद्दल मी व्हिडिओ एक बनवलेला आहे, तो मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकेन. भालोदबद्दल सविस्तर तुम्हाला जर माहिती पाहिजे असेल तर. आता आपण आज आलो आहोत स्पेशली भालोदला विहार करण्यासाठी. भालोदचं आपण दर्शन आता आज जाऊन घेणारच आहोत, दत्त मंदिराचं. त्याच्या व्यतिरिक्त भालोदमध्ये आजूबाजूला 3 महादेवाची मंदिरं आहेत, ती आज आपण एकत्र बघणार आहोत. तर चला आता माझ्याबरोबर, त्याच्या आधी आपण नर्मदा माईचं दर्शन घेऊया. नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर. इथे बोटी लागतात, तुम्ही कोरलवरनं इकडे बोटीने येऊ शकता. ह्याची सविस्तर माहिती तुम्हाला पाहिजे असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक टाकलेली आहे, तुम्ही ती बघू शकता. भालोची सविस्तर माहिती इकडनं वर आल्यानंतर आपण आज जाऊया. पहिले दत्तगुरु महाराजांचं आपण दर्शन घेऊया आणि मग आपल्या पुढच्या प्रवासाला लागूया. दत्तप्रभूंचं दर्शन घेतल्यानंतर आपण 3 मंदिरं बघणार आहोत, मोक्षनाथ, रामनाथी आणि गौतमेश्वर. आता त्या मंदिरं आता आपण बघूया. भालोदच्या मंदिरावरनं तुम्ही 2 मिनिटाच्या अंतरावर मागच्या साईडला आल्यावर तुम्हाला पहिलंच मोक्षनाथ महादेव मंदिर लागेल. मित्रांनो, आपल्याबरोबर एक ताई आहेत, ह्या मोक्षनाथ महादेवाची त्यांना बरीचशी माहिती आहे, ती आपल्याला ती समजावून सांगतात, ती आपण आता ऐकूया. नमस्कार. नमस्कार. आपका नाम क्या है? नीरू किशोर पंड्या. ओके. आप ये मोक्षनाथ महादेव के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए. हाँ, मोक्षनाथ महादेव का ऐसा है कि वो स्मशान में से मिला हुआ शिवलिंग है. अच्छा. हाँ, तो स्मशान में वो लोग खोदते थे
गांव के मजदूर और कोई भी तो खोदते थे तो उसमें शिवलिंग निकला। शिवलिंग में से पहले तो खून निकला। तो खून निकला तो लोगों ने भी विचार किया कि ये क्या हो गया एकदम, तो पूरा खोदा तो उसमें से शिवलिंग निकला बड़ा। उसका कलर भी ब्लैक है और शिवलिंग निकला। तो गांव वालों ने सबने बोला कि नहीं उनके तो स्थापना ही करेंगे। अच्छा, बड़ी बहुत तो खासी 100-200 वर्ष पहले की शिवलिंग है। 150-200 वर्ष पहले। हाँ, अच्छा, पहले की है। फिर उसकी वहाँ से शिवलिंग लाके यहाँ पे स्थापना की क्या? हाँ, वहाँ से वो गांव वालों ने लाके यहाँ स्थापना की और सबको वहाँ मोक्ष मिलता है। वो स्मशान है इसीलिए सबको मोक्ष मिलता है, इसीलिए उनका नाम मोक्षनाथ रखा। मोक्षनाथ महादेव रखा। हाँ, थैंक यू आपको कि आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की आपको दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तर मित्रांनो, असं मोक्षनाथ महादेव मंदिर आहे। आता आपण दुसऱ्या महादेव मंदिरात जात आहोत, ते म्हणजे रामनाथी महादेव। तर चला तर मग। आता आपण आलो आहोत रामनाथ महादेवला। तर आता आपण ते बघूया। आता आपण रामनाथ महादेव मंदिर बघितलं तर आपल्याबरोबर एक दादा आहेत, त्यांना बरीचशी माहिती आहे, ती आपण जाणून घेऊया आता इकडची। हे यांचं घर आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नर्मदा मैयाच्या बाजूला यांचं घर आहे, म्हणजे अक्षरशः स्वर्गातच राहतात असं आपण म्हणायला हरकत नाही आहे। तर नर्मदा मैयाचं पहिले दर्शन घेऊया आपण। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये आपल्याबरोबर दादा आहेत, त्यांचा आपण विचारूया। नमस्कार दादा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश बालोट है। जयप्रकाश बालोट। हाँ जी। ओके, आप थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को बताइए किस तरह से ये आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उसके बारे में बताइए। बालोट के बारे में, बालोट के बारे में, रामनाथ महादेव के बारे में। बालोट झगड़िया तालुका का भरूच डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, नर्मदा किनारे आया हुआ है, गाँव है। भालोत के अंदर जो बोल लोग बोलते हैं कि भालोत की भूमि भूमि नहीं है, वो तपोभूमि है। इधर कोई भी संत के साधु आके इधर तपस्या करता है तो इनकी तपस्या फलती है। भालोत के अंदर ज्यादा मंदिर आए हैं महादेव के, और इसके अंदर रामनाथ महादेव का मंदिर भी आया है। और रामनाथ महादेव का मंदिर बहुत पौराणिक मंदिर है। इनकी जो हिस्ट्री है वो रामनाथ रामचंद्र भगवान ने इधर अहल्या घाट है, अहल्या घाट का उद्धार भी किया, और इधर रामचंद्र भगवान ने रामनाथ महादेव की स्थापना की थी। रामचंद्र भगवान जी ने की है? रामचंद्र भगवान जी ने की थी, इसलिए ये मंदिर बहुत पुराना था। अभी तो इनका जीर्णोद्धार हो गया है। ऐसी भालोत की हिस्ट्री है। भालोत के नर्मदा नदी के भालोत ब्राह्मणों का गांव था। ओके। 500 घर की बस्ती थी। अब समय अनुसार सब लोग शहर के अंदर
चले गए, मगर भालोद की नगरी जो है वो जर्जरित हो गई है, टूटी फूटी, मगर इनकी आध्यात्मिकता है भालोद की, भालोद की जो परंपरा है, भालोद की जो संस्कृति है, संस्कार है, वो अभी अड़ीखम है भालोद के लिए। रामनाथ मंदिर तो जो रंगवदूत का शिष्य है, इनको बोलते हैं उछाली वाले नर्मदानंद जी, नर्मदानंद जी ने इधर चतुर्मास निकाला था और इन्होंने नर्मदा परिक्रमा पुस्तक लिखा था। और नर्मदा परिक्रमा पुस्तक के अंदर इन्होंने इनका जो अभिप्राय है कि वहाँ रात को चार बजे, तीन बजे, चार बजे ऑटोमेटिक घंटा रोग होता है, ऑटोमेटिक घंटा रोग होता है, घंटा बजता है, घंटा 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 बजता है। और इधर बहुत पुराने कोई वयोवृद्ध साधु बहुत उम्र के कभी कभी मंदिर के अंदर दर्शन के लिए भी आते हैं। और जो परिक्रमावासी है, जो साधु संत उधर रुकते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जब हम बैठते हैं, जो लड़के लोग को बोलते हैं, कभी कभी बैठा एक दंडी स्वामी था हमारे यहाँ, अच्छा, वो पुणे के रहने वाले थे और भगत सिंह और चंद्रशेखर इनके साथ में इन्होंने काम किया था, हिंदू महासभा का भी वो है, वो सब लोग उनको फांसी, वो स्थिर चले गए हमारे यहाँ पे। और इन्होंने यहाँ भालोद में अंदर तीन चार परिक्रमा की थी, नर्मदा परिक्रमा, फिर भालोद के अंदर इन्होंने दंड धारण किया, दंडी स्वामी करके इधर रुके थे। वो ऐसा बोलते थे, बहुत पुरानी उम्र के थे, वो ऐसा बोलते हैं कि कभी कभी इधर से जो खुशबू आती है, कभी रात को बैठते हम तो खुशबू आती है, तो एक दिन वो आदमी दंडी स्वामी रोड पे सो गया। तो हमने बोला बाबा ये क्यों तुम मिट्टी के अंदर, बोला वो तो अष्टस्थामा इधर से चला। जब कोई ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई जीवात्मा कभी इधर से चलता है तो इसके पीछे सुगंध आती है, अच्छी खुशबू आती है, इसके निशानी है, तो आप नहीं देख सकते हैं, मगर वह अभी अस्वस्थामा इधर से, अस्वस्थामा तो अजर अमर है, अजर अमर है, बराबर, वो नर्मदा किनारे घूमता है। ऐसा अनुभव संतों को भी इनकी अनुभूति हुई है, बराबर, वो लोग बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी, आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दर्शकों को दिया है। आणि स्पेशली मला सांगायचे, नारेश्वर मध्ये रंगवदूत महाराज जी आहेत, ते यांच्या बरोबर होते, आप मिले हो ना रंगवदूत महाराज जी को, रंगवदूत महाराज जी को आप मिले हो ना नारेश्वर? हां मिले, कितने दफे मिला हूं। रंगवदूत महाराज को हम पहले, नारेश्वर इतना प्रख्यात नहीं था, जब रंगवदूत के बारे नारेश्वर हमारे यहाँ पे क्या है, कोई पिकनिक का साधन नहीं था, हमारे घर पे कोई आते मेहमान लोग तो हम मोटी कोरल जाते, मोटी कोरल से नारेश्वर जाते, बाबजी लिमड़ा के झाड़ के नीचे बैठते थे, हम इनको ले जाते थे और बाबजी हमको चाय पिलाते थे, प्रसाद देते थे। भालोद में पे इनका जो था तो भालोद में पे बाबजी आते थे इधर, भालोद में कितने दफे आया, हम इनका दंड पकड़ लेते थे, जो दंड लकड़ी थी, हम छोटे थे, हमारे मम्मी पापा हमको लेके जाते थे तो हम के इनके तो बोले छोड़ बेटा, बैठ इधर बैठ, मैं तेरे को चॉकलेट देता। क्या बात है, ऐसा हमने रंगवदूत को अच्छी तरह से पहचानते थे, देखा है, जाना है। और जब इनका हरिद्वार के अंदर देवलोक हो गए, तब भी हम नारेश्वर के अंदर गए थे और इनकी हम दिया हुआ तो अंतिम संस्कार के अंदर हम भी हाजिर थे। अच्छा, अच्छा। वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज ने पण भालोद में चतुर्मास निकाला, चतुर्मास निकाला। तक कितने संत जो कितने संत ऐसे है कि वो लोग अभी तो जो चतुर्मास निकालते हैं फिर जाते हैं, इनके साथ में हमारा जो गांव लोगों का जो परिचय होता है, इतना रिश्ता होता है, अभी तो टेलीफोन है, पहले टेलीफोन नहीं था, तो वो लोग कहाँ, इनके पास जो थोड़ी घनी आमदनी अठन्नी हेतु थी तो किसी के घर में के लोग हमारा रखो, हमको पोस्ट कार्ड ले दो, हमको हमारे खत लिखना है। और इसकी माया, जब चतुर्मास निकाल के जाते हैं परिक्रमासी तो इनके आंख में आंसू होते हैं और बोलते हैं कि हमने ऐसा अच्छा काम कभी किसी जगह पे नहीं देखा है, हमको इतना प्रेम मिलता है कि हम जाते हैं वक्त, इनका दाखला है प्रताप है महाराज, दत्त मंदिर,
दत्त मंदिर का जो प्रताप है महाराज वो भी चतुर्मासी यहाँ पे निकाला था, इनके साथ में शार्दुल महाराज भी था और मोक्षनाथ मंदिर के अंदर रुके थे, हमको भी मालूम नहीं था कि वो दत्त मंदिर होएगा, इनको भी नहीं मालूम था कि वो मंदिर बनाएगा, कैसे बनाएगा, वो कि भगवान के दत्त महाराज की कृपा हुई और जो गंगापुर कर्नाटक स्टेट के जो भीमा नदी के तट पे बट्टू महाराज करके थे, बट्टू महाराज इधर आते थे, इनका गुरु भाई इधर था, जब बट्टू महाराज ने हमको भविष्यवाणी की थी कि बोले जयप्रकाश जी तुम्हारे गांव के अंदर दत्त कृपा होने वाली है, ओ, पहले ही बता दिया, ओहो। तो फिर वो दत्त भगवान की कृपा हुई और दत्त मंदिर इधर आकार लिया। क्या बात, सब लोग धार्मिक है, बहुत बढ़िया, बहुत धार्मिक लोग है। और प्रताप है महाराज जब भी इनका कारोबार चलाता है, परिक्रमासियों को रखता है, खाना खिलाता है, चाय पिलाता है, और चतुर्मास सब लोग इधर ठहरते हैं, परिक्रमावासी इधर ठहरते हैं मोक्षनाथ के अंदर। भालूत के लोग जो नर्मदा परिक्रमा के अंदर आते हैं, इनके साथ में इनका इतना गाढ़ संबंध होता है, और फिर वो परिक्रमा पूरी करके भी खत लिखता है, अभी तो टेलीफोन भी करता है कि कैसे हो, ऐसे हो तैसे, वो सब रिश्ता, वो कोई आंध्र का है, कोई एमपी का है, कोई राजस्थान, कभी कभी सब जगह से आते, सब जगह से आता है। धन्यवाद, धन्यवाद जी, एवढी जबरदस्त माहिती दिलेली। तर हे आपल्यावर आपलं ऍक्च्युली मी म्हणेल की आपण लकी आहोत की आपल्याला हे भेटले असे ग्रस्त, तर त्यांचे आपण मनापासून धन्यवाद म्हणूया एकतर। धन्यवाद जी, एवढी सुंदर आपल्याला दादांनी माहिती दिली आहे, आणि इकडचे जर तुम्ही भालोतच्या गल्ल्या बघितल्या तर एकदम जबरदस्त आहेत, खूप जुने जुने वाडे आहेत, या वाड्यांच्या स्ट्रक्चरवरून तुम्हाला कळू शकतं किती जुने वाडे आहेत। सगळं तुम्ही बघितलं लाकडी बांधकाम आहे पूर्ण। आणि आता आपलं तिसऱ्या महादेवाला जाणार आहोत, गौतमेश्वर महादेव। आपण दोन महादेवाची मंदिरं आत्ता बघितली आणि आता आपण या गल्लीतनं आलेलो आहोत आणि आता आपण गौतमेश्वर महादेव मंदिराला चाललेलो आहे। हा महादेव मंदिराचा याचा रस्ता भाग कसा आहे, मित्रांनो आता आपण तिसऱ्या महादेवाला आलो आहे, गौतमेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इथे मंदिर आहे, पहिले आपण या शिवलिंगाचं दर्शन घेऊया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आणि इकडे नर्मदा मैया। ओम नमः शिवाय। ते हनुमानजी आहेत विराजमान। मित्रांनो आता आपण गौतमेश्वर महादेव मंदिरच्या इथे आलेलो आहोत आणि आपल्यावर एक महाराज आहेत, ते आपल्याला याच्याबद्दल माहिती सांगतात, ती आपण आता ऐकूया। नमस्कार महाराज। नमस्कार, आपका नाम बताइए। साधु रामदास। साधु रामदास। रामदास, आप गौतमेश्वर महादेव के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। इसमें पहले जब वो उद्धार हुआ है तो वो तपस्या करने के लिए यहाँ आ गई। अच्छा, ओके। यहाँ आई तो गौतम ऋषि ने वहाँ देखा, ध्यान लगा के कि वो तो पत्थर की शिला थी। हाँ। वो कहाँ गई अब? ओ तो वो फिर उन्हें ध्यान
शाम प्रकट हुआ कि वो तो दक्षिण यहाँ चली गई है। अच्छा, तो यहाँ वो आए देखने के लिए गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि यहाँ उनकी उन्होंने ये स्थापना करी है, स्थापना की है। उसके बाद में यहाँ उनको पता लगा कि ये शुद्ध है तुम्हारी पत्नी, यहाँ से वापस ले जा सकते हो। अच्छा, फिर यहाँ से वो उसको वापस ले गए। ओके ओके ओके। तो ये गौतम ऋषि ने यहाँ पे महादेव मंदिर की स्थापना की। उन्हीं की हाथ की तपस्या वो है। बहुत पुराना मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। कितने साल का होगा? लगभग 300-400 साल से ऊपर। 400 साल के ऊपर होगा। तर मित्रांनो, तुम्ही बघितलं की गौतम ऋषींनी स्वतः इथे आलेले आहेत आणि इकडे स्थापना केलेली आहे। तर अशा आपण या इथे या जागेवर तुम्ही नक्की या। भालोदला आल्यानंतर 3 महादेवाची मंदिरं आपण बघितलेली आहेत। आणि जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर सगळ्यांना शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल नक्की सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला पुढचे व्हिडिओज जे आपण नवीन नवीन एक्सप्लोर करणार आहोत, नवीन नवीन ठिकाणी जाणार आहोत, ते तुम्हाला मिळत जातील। भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत करूया एकमेकांना बाय बाय। नर्मदे हर।